हेलो दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में जो T20 वर्ल्ड कप कल से स्टार्ट होने वाला है, श्रीलंका और नामीबिया का साथ है, ठीक है। तो इस वर्ल्ड कप आप लोग को क्या रहेगा, ठीक है, आप लोग को पैसा कमाने के लिए मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप लोग को टीम सिलेक्शन कैसा होना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कौन सा आपको डिफेंड टीम मिल सकता है, मतलब एवरेज कितना स्कोर हो सकता है, ठीक है, और आपको टीम कौन सा आगे जाते हुए मिल सकता है, ठीक है। तो मैं ही एनालिस करूँगा, बुकी फ्रेंडली मैच होगा या पंटर फ्रेंडली मैच होगा, ये वर्ल्ड कप बुकी फ्रेंडली होगा या पंटर फ्रेंडली होगा, ठीक है। तो मैं ही एनालिस करने वाला हूँ, तब लोग ध्यान से सुनिएगा, ये तरह मेरा वीडियो एडिटिंग नहीं करता हूँ ज़्यादा, तो आप लोग को स्क्रीन शॉट ही लेकर मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि देखो, हर पंटर को मैं हेल्प करता हूँ, ठीक है, जितना हो सकता है मुझसे मैं इतना करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को इतना फॉरवर्ड कीजिएगा कि जिसका पास कोई किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, यूट्यूब चैनल को, और लाइक ज़रूर करना भाई, ठीक है। लाइक करने से वीडियो का रेटिंग अच्छा होता है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है, ठीक है। तो मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग को इस साल का जो वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है कल से, ठीक है, तो आप लोग को आपका पंटर फ्रेंडली होगा या बुकी फ्रेंडली होगा ये वर्ल्ड कप, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं जहाँ तक एनालिस कर पाया हूँ, ठीक है, ये वर्ल्ड कप बुकी फ्रेंडली होगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारा बात होता है, ठीक है, तो इतना खोल के तो मैं बोल नहीं सकता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आ जाइएगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैं वहाँ पर टिप वगैरह सब कुछ देता हूँ, ठीक है, मैच टीम जो भी होता है मुझसे जितना भी हो पाता है, आ जाना वहाँ पर, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाना, एक हफ्ता तक आप लोग देख लेना, ठीक है, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा मैं किस तरह से काम करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग एक बात ध्यान से सुनना, इस वर्ल्ड कप आप लोग को बुकी फ्रेंडली मिलेगा, ठीक है, लगभग 70% मैच डेट मैच मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को खाने से बचना है, ठीक है, इस वर्ल्ड कप आप लोगों को खाने से बचना है, ठीक है। आप लोग सोच रहे कि अरे भाई ये 50 पैसा का रेट दे रहा है, इसको खा लूँगा, ठीक है, गलती से भी मार खाना, ठीक है, जितना हो सकेगा आप लोग से, ठीक है, उतना आप लोग उसी टीम को खाना जो टीम फेवरेट मिलता है, ठीक है, जो फेवरेट है, मान लो आपको मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, ठीक है, मान लो ऑस्ट्रेलिया फेवरेट खुला है 50 पैसा, सिचुएशन ऐसा बन चुका है मैच का कि न्यूजीलैंड का विकेट नहीं गिरा है, 10 ओवर पे 80 रन बन चुका है, ठीक है, और तो उस सिचुएशन पे लंबी होगा 175-180 का लगभग देगा, 175-180 रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों का नंबर वन न्यूजीलैंड का लंबी को नोट करना है, ठीक है, अगर न्यूजीलैंड फेवरेट रहता है, मान लो 80 पैसा न्यूजीलैंड फेवरेट रहता है, ठीक है, तो आप लोगों को न्यूजीलैंड को क्या करना है, खा लेना है, ऑस्ट्रेलिया को विन करना है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को विन करना है, तो आप लोग जैसे न्यूजीलैंड का 1-2 विकेट गिरेगा ऑस्ट्रेलिया पर बैठ आएगा, तो ऑस्ट्रेलिया पर बैठ आएगा, ऑस्ट्रेलिया पर बैठा रहना है, तो ऑस्ट्रेलिया पर बैठा रहोगे तो ऑस्ट्रेलिया जब सेकेंड बैट पर आएगा, ठीक है, तो अपना होम कंडीशन है तो बेहतर खेलेगा, ठीक है, इतना मतलब लॉस का कैपेबिलिटी इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है, आप लोग कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट 50 पैसा 60 पैसा आएगा, तो आप लोग लॉस कट करके रखना, बुक सेट करने के लिए ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बोल रहा हूँ कौन सा टीम पकड़ना है, ठीक है, आप लोग पूरा वर्ल्ड कप में आप इंग्लैंड को पकड़ के रखिएगा, ठीक है, आप लोग इंग्लैंड को पकड़िएगा, ठीक है, इंग्लैंड को आप लोग जैसे ही इंग्लैंड अनफेवरेट मिलता है इंग्लैंड को बैक कर लेना, ठीक है, कोई भी टीम उसके आसपास हो, इंग्लैंड फेवरेट आएगा लॉस कट करके बैठा रहना। आप लोग दूसरा नंबर हो गया पाकिस्तान पे बैठिएगा, ठीक है, पाकिस्तान पे बैठिएगा, मुझे इंडिया पे तो इतना विश्वास नहीं है, तभी आप लोग बैठ सकते हो, ठीक है, क्योंकि इंडिया का बॉलिंग इतना खास नहीं लगा मुझे, ठीक है, इंडिया भले ही सेमीफाइनल पहुँच जाए लेकिन फाइनल नहीं जीतना चाहिए, मैंने जो एनालिस किया हुआ है फाइनल नहीं जीतना चाहिए, बाकी पता नहीं कुछ भी उलटफेट हो सकता है T20 मैच है, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन ही रख रहा हूँ, ठीक है, मैं ये रिजल्ट नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा ही होने वाला है, जस्ट मेरा ओपिनियन है, ठीक है। और यहाँ से आप लोग ऑस्ट्रेलिया को पकड़ के रखिएगा, ठीक है, इस दो टीम को पकड़ के रखिएगा, साउथ अफ्रीका को जैसे अनफेवरेट मिले, फेवरेट मिले इसको खा लेना,
साउथ अफ्रीका, अगर साउथ अफ्रीका बांग्लादेश रहता है तो साउथ अफ्रीका विन है, आपको भी पता है, ठीक है। और यहाँ से ए ग्रुप ए से कौन सा आएगा, ग्रुप बी से कौन सा आएगा देखना पड़ेगा, ठीक है। उसी लिए मैं बोल रहा हूँ मैं चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, मैं वहाँ पर हेल्प करूँगा आप लोग का, ठीक है, जितना हो पाएगा मैं हेल्प करूँगा। और यहाँ से आप लोग को न्यूजीलैंड को जैसे ही फेवरेट मिले, न्यूजीलैंड मान लीजिए न्यूजीलैंड इंग्लैंड का मैच हो रहा है, ठीक है, न्यूजीलैंड अनफेवरेट आपको न्यूजीलैंड फेवरेट मिल गया तो न्यूजीलैंड को क्या करना है, खा लेना है। न्यूजीलैंड को खाओगे तो आपको परफेक्ट ऐसा बन जाएगा। तो आप लोगों को न्यूजीलैंड को खा लेना है, ठीक है। आप लोगों को लॉस कट मेन है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, आपने अनफेवरेट मान लीजिए, फेवरेट टीम था आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मतलब मुझे जो लगा है मैं वही बोल रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा वर्ल्ड कप बुकी फ्रेंडली होगा, ठीक है। लोग सोचेगा अरे भाई ये तो जीत जाएगा, ठीक है, ये अनफेवरेट है, 40-50 पैसा लगा हुआ है, या तो 80 पैसा जाएगा, मैं लॉस कट करके निकल जाऊँगा। गलती से भी मत करना, मत खाना, ठीक है, मैं इतना बोल रहा हूँ, गलती से भी मत खाना, ठीक है। आप लोग सिर्फ इतना ही करना, जो टीम फेवरेट खुलेगा उसे आप लोग पकड़ के बैठ जाना, ठीक है। ICC वर्ल्ड कप में जो भी टीम फेवरेट खुलेगा, वो टीम अगर अनफेवरेट आता है उसको ही आप लोग पकड़ के बैठ जाना, लॉस कट करना आपका जिम्मेदारी है, ठीक है। और आपका बाकी जो भी मुझसे हो पाएगा, मैं इतना डीपली तो नहीं बता पाऊँगा यूट्यूब पर, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो बहुत सारा स्ट्राइक वगैरह आ जाएगा, आप लोग का हेल्प नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल के जरिए मेरा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा, मुझसे जितना हो पाएगा मैं इतना आप लोग को हेल्प कर दूँगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारा ऐसा बात है जो मैं चैनल पर यूट्यूब चैनल पर वीडियो के द्वारा नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, मैं मेरा टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगा, मैं वहाँ पर बोल दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नामीबिया के साथ श्रीलंका का मैच है, ठीक है, मुझे पर्सनली पूछोगे तो श्रीलंका जीतना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से नीदरलैंड ठीक ठाक टीम है, ठीक है, नीदरलैंड नामीबिया ये दोनों का अंदर बहुत अच्छा टक्कर होगा, ठीक है। UAE तो नहीं जाएगा, ये क्वालिफाई नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ से दो ही टीम जाएगा ग्रुप ए से, तो पहला नंबर श्रीलंका जाएगा, दूसरा नंबर नामीबिया या तो नीदरलैंड। मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा नामीबिया जाना चाहिए, इनके पास बॉलिंग बैटिंग दोनों ही अच्छा है, ठीक है। और ग्रुप बी से मुझसे पूछोगे तो पहला नंबर तो मैं रखूँगा वेस्ट इंडीज़, ठीक है, और दूसरा नंबर रखूँगा मैं स्कॉटलैंड, ठीक है, पहला नंबर रहेगा वेस्ट इंडीज़ और दूसरा नंबर रहेगा आयरलैंड का टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसका बोलिंग स्टलिंग है, ठीक है, या आते ही चौका छक्का लगाना चालू करता है, ठीक है। तो और जिम्बाब्वे का बॉलिंग अच्छा है, 2-3 बॉलर अच्छा है, ठीक है, और वेस्ट इंडीज़ का फॉर्म थोड़ा उठल पटल है, या तो वेस्ट इंडीज़ अगर क्वालिफाई ना भी करे वर्ल्ड कप के लिए तो भी हैरान होने के लिए कोई बात नहीं है, ठीक है, ऐसा तो करना चाहिए, बट अगर ना भी करे तो कोई बड़ा बात नहीं होगा, ठीक है। इन लोग का फॉर्म अच्छा नहीं है, इन लोग का अपना लीग पे ही इन लोग का जो भी प्लेयर है जो CPL वगैरह चल रहा था आप लोग देखे होंगे उसमें भी परफॉर्म नहीं कर पाता, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में तो हाईली बॉम्स होगा पिच, ठीक है, पिच ऐसा रहेगा, हमें फर्स्ट बॉलर को मदद मिलेगा, ठीक है, तो 1-2 बॉलर इन लोगों के पास फर्स्ट होगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का पिच में, फॉरेन काउंटी का पिच में पकड़ पाना इतना पॉसिबल नहीं होगा, इन लोग स्लो ही पिच में प्ले करता है, ठीक है। आयरलैंड का पिच का साथ आयरलैंड जहाँ पे प्ले करता है अपना ग्राउंड पे वो थोड़ा सा ठीक ठाक है, ठीक है। हाँ, आप लोग पूछोगे मुझसे न्यूजीलैंड परफॉर्म करना चाहिए, न्यूजीलैंड और आपका हो गया इंग्लैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड का पिच ऑस्ट्रेलिया के साथ में ठीक ठाक सिमिलर रहता है, ठीक है, अगर 100 में 100 नहीं बताऊंगा, मैं 100 में 60% दूंगा, 60-75% लगभग सिमिलर रहेगा न्यूजीलैंड का पिच और ऑस्ट्रेलिया का पिच, ठीक है। इंग्लैंड में भी 60-40 रहेगा, इंग्लैंड का पिच और ऑस्ट्रेलिया का पिच में 60-40 रहेगा, और बाकी तो आप लोगों को मैच लाइव देखने पे ही पता चलेगा पिच किस तरह से बनता है, ठीक है। तो बस इतना ही बोलना था, आप लोग जो भी टीम फेवरेट ओपन होगा आप लोग पूरा वर्ल्ड कप में उसी को पकड़ के रखना, ठीक है। और फैंसी वगैरह और टीम वगैरह अगर कुछ भी होता है उलट फिर, ठीक है, तो मैं हेल्प करने के लिए हूँ, मेरे चैनल का आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। मैं ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं मिलता मुझे, तो आप लोग मेरे चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम चैनल पर, मैं आप लोग को वहीं पर अपडेट करूँगा, ठीक है।
आप लोग हो सके तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। वर्ल्ड कप से एक ही दिन पहले मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। शायद ये कितना 9 मिनट का वीडियो हो गया, 10 मिनट का। तो आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, मेरे तरफ से मुझे पूछोगे कौन सा टीम जा सकता है ग्रुप 1 से, ठीक है, सुपर 12 क्वालिफाई कर सकता है, ये दोनों टीम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ठीक है। ठीक है, मैं और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ जो कि नहीं बोलना चाहिए चैनल पे, अगर इसका जरिए अगर कॉपीराइट स्ट्राइक कुछ भी आया तो आ जाए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, ठीक है। क्योंकि चैनल से 1 रुपया मैं नहीं कमा रहा हूँ, जस्ट आप लोग को हेल्प के लिए, आप लोग को नॉलेज देने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इस वर्ल्ड कप किसी ने नहीं सोचा होगा कि सबको लगेगा एक ही चीज़, भाई इंडिया जीत जाएगा, ठीक है, इंडिया नहीं तो पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीतेगा, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता ना इंडिया जीतेगा ना पाकिस्तान जीतेगा, वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा। हाँ, भले ही सेमीफाइनल पहुँचेगा लेकिन नहीं जीतेगा, ठीक है। मुझे लगता है 100 से 75% चांस रहेगा इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जीतने के लिए, ठीक है। इंग्लैंड का चांस सबसे ज़्यादा रहेगा कि इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप को जीते, ठीक है। क्योंकि किसी को नहीं लगा होगा और लगेगा भी नहीं किसी को। आप लोग देखोगे परफॉर्म, बोलेगा भाई इंग्लैंड को जीतेगा ये वर्ल्ड कप। आप लोग बोलोगे कि इंग्लैंड भाई ये वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता है, उसका पास है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड का सपोर्ट रहेगा, ठीक है, होम ग्राउंड में मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया पे, वहाँ से छोटा सा ग्राउंड हुआ है, वहीं उसी ग्राउंड पे प्ले करता है, ठीक है, उन लोगों को तो अच्छा नॉलेज होगा, तो ऑस्ट्रेलिया तो वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा। मुझसे अभी अगर पूछोगे तो मैं बोलूँगा ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। मेरा अकॉर्डिंग इंग्लैंड जीतेगा, ठीक है। मेरा अकॉर्डिंग मुझसे पूछोगे मैं एक ही टीम सेलेक्ट करूँगा, इंग्लैंड जीतना चाहिए वर्ल्ड कप। पूरा श्योर नहीं है बट मैं मुझसे पूछोगे मेरा एनालिस, ये वीडियो है भाई, ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, तो मैं मुझसे पूछोगे कोई भी वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले कौन इस बार वर्ल्ड कप जीतने वाला है, तो मैं बोलूँगा इंग्लैंड। मतलब पूरा वर्ल्ड कप में आप अगर इंग्लैंड को पकड़ के रखोगे आप लॉस में नहीं रहोगे, इतना बोल दिया, लॉस में नहीं रहोगे। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया दो ही टीम को आप पकड़ के रखो पूरा वर्ल्ड कप में, आप नुकसान में नहीं रहोगे ग्रुप 1 से, ठीक है, सुपर 12 में, और ग्रुप बी से आप लोग पाकिस्तान को पकड़ के रखना, अच्छा पैसा आप लोगों को दे कर जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी बात होगा मैं चैनल पे होगा, मैं चैनल ज्वाइन कर लेना। तो आज के लिए मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ भाई।